नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के मुद्दे पर बात हो रही है। कंगना रनौत जो शुरू से ही इस मुद्दे पर बोलती आई हैं, अब एक बार फिर उन्होंने बॉलीवुड माफिया पर निशाना साधा है, जिसके बाद कई लोगों ने कंगना पर पलटवार किया। हालांकि अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में कंगना का खुलकर सपोर्ट किया था, वहीं अब एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने कंगना के ऊपर बोलते हुए उन्हें लेडी धर्मेंद्र कहा है। उन्होंने कहा है कि फिल्म में कई ऐसे बड़े कलाकार हैं जो छोटे से शहरों से आते हैं मुंबई में अपना करियर बनाने। सभी बड़े नाम जो आप ले रहे हैं उनमें से अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र भी छोटे शहरों से हैं, वो बहुत बड़े शहरों से नहीं आए हैं। कंगना रनौत अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल समय का सामना करते हुए निकली हैं और अपने करियर में आगे बढ़ी हैं। अब भी वो बहुत अच्छा कर रही हैं, चाहे वो अपने जीवन में कर रही हो या फिल्मी दुनिया में। ज़्यादातर लोग कंगना के खिलाफ बोलते हैं या वो कंगना का विरोध करते हैं, क्योंकि वो कंगना से जलते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे एहसानों के बिना और हमारी मर्जी के बिना और हमारे समूह का हिस्सा बने बिना, हमारे धक्का मुक्की के बिना ये लड़की कैसे सफल हुई। उन्हें ये पसंद नहीं है, वो ईर्ष्यालु हैं, उनमें एक हीन भावना है। यही कारण है कि कंगना महिलाओं का धर्मेंद्र है। उसने खुद को धर्म जी की तरह साबित किया और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। तो देखा आपने, शत्रुघ्न सिन्हा ने कंगना को महिलाओं की धर्मेंद्र बताया है, जो कि धर्मेंद्र की तरह एक छोटे से शहर से आई है, जिन्होंने धर्मेंद्र की तरह बिना किसी की परवाह किए खुद को साबित करके दिखाया कि वो अपने दम पर काम कर सकती हैं। उसके लिए उन्हें किसी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। जिस तरह धर्मेंद्र बिना किसी से डरे सालों से अपनी बात बेबाकी से रखते आए हैं, उसी तरह कंगना भी बेबाकी से हर बात कहती हैं। कहा जाता है कि कंगना की तरह धर्मेंद्र भी अपने टाइम पर नेपोटिज्म का शिकार हुए थे। रिपोर्ट्स की माने तो धर्मेंद्र के करियर को खराब करने के लिए उनके खिलाफ भी गैंगबाजी होती थी, लेकिन धर्मपाजी ने अपने काम से हर किसी का मुंह बंद कर दिया था। यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कंगना की तुलना बॉलीवुड के हीमैन से की है और उन्हें लेडी धर्मेंद्र बताया है। बात कर ले शत्रुघ्न सिन्हा की, तो वो इससे पहले भी एक मीडिया हाउस से बातचीत में कंगना का समर्थन कर चुके हैं। बताते चले कि हाल ही में कंगना ने नेपोटिज्म पर बात करते हुए करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और महेश भट्ट पर आरोप लगाए थे और बताया था कि कैसे ये लोग गैंग बनाकर बाहरी लोगों के करियर और जीवन दोनों को बर्बाद कर देते हैं। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि शत्रुघ्न सिन्हा के इस स्टेटमेंट पर कंगना कैसे रिएक्ट करती है।